सिद्धार्थ के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर मैं ये कहूँ कि सिद्धार्थ के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला हम सभी के बीच नहीं है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये बात है। आज लगभग 3 महीने होने आए जब सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब सिद्धार्थ, उनकी जर्नी, उनकी यादें, उनका व्यक्तित्व, उन सबको रिलिश करने का एक मौका उनके फैंस को मिलने वाला है। क्या है पूरी खबर, क्या होने वाला है, बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त सरिता। सिद्धार्थ शुक्ला एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के मालिक थे। उनको स्पोर्ट्स, एक्टिंग, मॉडलिंग, रियलिटी सब कुछ करते हुए हम लोगों ने देखा। लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। डांस शो पर आए, वहाँ लोगों ने बहुत पसंद किया। सीरियल में आए, एक उनका सीरियल बहुत सुपर हिट रहा, दो सीरियल्स ज़्यादा कलर्स पे सुपर हिट रहे। फिल्म में उनका किरदार लोगों को बहुत पसंद आया, हम्टी शर्मा के दुल्हनिया में। रियलिटी शो में आए, डांस शो में आए थे, वहाँ पर लोगों ने पसंद किया। रियलिटी शो में आए, वहाँ पर उनकी रियल पर्सनैलिटी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन उनका एक टैलेंट अभी भी सबके सामने नहीं आया था। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला रैपर बनना चाहते थे। उन्हें रैप करने का बहुत शौक था, उन्हें रैप करना बहुत पसंद था और वो रैप करना चाहते थे। यही नहीं, उन्होंने एक रैप सॉन्ग रिकॉर्ड भी किया है, बनाया है एक रैप सॉन्ग और रिकॉर्ड भी किया है। और वो गाना जो है दिसंबर 12 को, यानी उनके बर्थडे के दिन रिलीज़ करेगा उसका परिवार, ताकि वो सिद्धार्थ का जो सपना है रैपर बनने का, एक अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का, वो भी सामने आए। सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी में जो ह्यूमर था, जिस तरह, मतलब बहुत कम लोगों में ऐसा ह्यूमर होता है, जिस तरह से वो बात करते, जिस तरह से उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो अपीलिंग था, बहुत उनकी पर्सनैलिटी में था। जो लोग उनको बहुत नहीं जानते थे, जिन्होंने बहुत उनको नहीं देखा था, उनको मौका मिला बिग बॉस में उन्हें जानने का, उनके पर्सनैलिटी का वो पहलू जानने का। और यही कारण है कि सिद्धार्थ शुक्ला को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक तो रियल थे और ऊपर से उनकी पर्सनैलिटी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बहुत इंटरेस्टिंग, कट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जो कहना है मुंह पर कहना है, वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अगर एक ये सब पर्सनैलिटीज़ के ट्रेट्स कहते हैं, कोई बंदा रैप करे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और यही कारण है कि उनका एक रैप जो है लोगों को बेसब्री से उसका इंतज़ार होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की आवाज़ में रैप कैसा लगता है। और वो रैप अगले महीने जो है रिलीज़ किया जाएगा, उनके बर्थडे के दिन। अब कुछ ही दिन बाकी हैं, हार्डली 15-20 दिन, और आई एम श्योर वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। परिवार इस तरीके से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है। हालांकि हो सकता है रिकॉर्ड करके रखा हो, उसकी एडिटिंग वगैरह बाकी हो, जो परिवार ने बाद में करवाई हो एडिटिंग, ताकि सिद्धार्थ के बर्थडे पर उन्हें वो तोहफा दे सके जब वो हमारे बीच नहीं होंगे, उनके फैंस तक उनकी आवाज़ पहुँच सके, उनका काम का एक पीस ऑफ वर्क जो है वो पहुँच सके। तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे इस गाने का। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप सिद्धार्थ के रैप को सुनने के लिए कितने बेकरार हैं। और हम बस यही दुआ करेंगे कि वो जहाँ पर हैं, जैसे हैं, ठीक रहें, और उनके परिवार को और जो लोग शहनाज, बाकी जो उनके करीबी हैं, जो उनके जाने पर कोप अप नहीं कर पा रहे, भगवान उन्हें थोड़ा स्ट्रेंथ दे, सांत्वना मिले उन्हें। तो बने रहे हमारे साथ लगातार, और ज़रूर कॉमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये खबर।